हेलो व्हाट्सअप का इस आज हम इस वीडियो में देखेंगे हाउ टू डिलीट एनी पोस्ट यूजिंग एक्सियस इन आवर रिएक्ट फुल स्टैक वेबसाइट जी हाँ गाइस तो क्या होता है सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ तो ये हमारा वेबसाइट है राइट जहाँ पर हम इतना ऑसम चीज़ें देख रहे हैं एंड अभी तक हमने कुछ इतना बना भी लिया है जिसमें से हमने गेट मेथड जो था वो कंप्लीट कर ली है आज मुझे दिखाना है आपको डिलीट वाला मेथड मैंने कल के वीडियो में कहा था हम पोस्ट मेथड देखेंगे कि हम कैसे ऐड कर सकते हैं बट थोड़ा सा इंतजार कीजिए डिलीट वाला थोड़ा इजी है मैंने सोचा वो आपको जल्दी से बता देता हूँ एंड आई होप वो आप भी कर सकते हो जैसे ये मेरा एक एग्जाम्पल है देखो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो ये टाइटल थोड़ा सा बड़ा है ये बच्चा वाला टाइटल थोड़ा छोटा है ये थोड़ा सा बड़ा है तो अगर इसको मैं डिलीट करूंगा तो एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि कुछ डिलीट हुआ है क्योंकि पता नहीं चलता सभी दिखने में तो एक जैसे लग रहे हैं कि नहीं तो मैं अगर इस पर डिलीट पे क्लिक करता हूँ एंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड करने से पहले मैं जल्दी से मैं यहाँ पे चलता हूँ अपने कंपोनेंट वाले पे एंड पोस्ट पे हम चलते हैं सो हेयर वी हैव दिस डेटा इतने सारा है ना तो यहाँ पे भी डेटा मुझे मिल रहा है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ रियल टाइम डेटा ठीक है अब ये जो सेकेंड वाला है इसको मैं डिलीट पर क्लिक करता हूँ तो विद इन अ सेकेंड डिलीट हो गया एंड यहाँ पर भी देखो अपडेट हुआ तो अगर मैं यहाँ पर ले चलता हूँ सो नाव हमें टोटल हंड्रेड पोस्ट मिल रहे थे बट सी अब मुझे नाइन्टी नाइन मिल रहा है एंड जो कल के वीडियो में मैंने आपको ऐड करके बताया था ये देखो डेटा यहाँ पे देख रहे हो एक सौ एक टाइटल था अभी भी उधर ही पड़ा हुआ है ये है ना कितना मज़ेदार कि वाह अपना खुद का ए को मैं अपने वेबसाइट से अपडेट कर रहा हूँ समझ रहे हो ये बहुत आप गाइस रियल जब आप ई e कॉमर्स वेबसाइट के साथ काम करते हो टक तक, टक आप समझ रहे हो ए में जाने की नीड ही नहीं आपने अपना एक एडमिन डैशबोर्ड बना लिया वहाँ पे डेटा ऐड करो एंटर आपका एपीआई में ऐड हो गया पूरी दुनिया जो भी एपीआई यूज़ करे उनको वो नया प्रोडक्ट वहाँ दिख जाएगा इस तरीके से आप इमेजिन करोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये कैसे हुआ ठीक है मैं आपको बताता हूँ ध्यान से देखिए इतने सारे एप्लीकेशंस थे हमारे पास फिलहाल के लिए अभी सोचो कि सिर्फ तीन पोस्ट है ठीक है फिलहाल के लिए लेट्स इमेजिन वी हैव ओनली टोटल थ्री पोस्ट एंड आउट ऑफ थ्री हमें कोई एक डिलीट करना है एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें मालूम है एंड डैट इज़ जब भी हम कभी भी लूप चलाते हैं यूजिंग मैप नो मैटर वॉट हमें एक की पास करना पड़ता है एंड उस की का मतलब होता ही ये है कि ये जो एक पर्टिकुलर पोस्ट है मतलब ये हमारा एक एक इंडिविजुअली जो पोस्ट है वो सब एक दूसरे से क्या होंगे यूनिक होंगे ताकि इन फ्यूचर अगर हमें कभी पता लगाना पड़े कि ये पर्टिकुलर पोस्ट किसके लिए है तो हमें पता चल जाए सो डैट्स वाई वी हैव वन यूनिक वैल्यू डैट इज़ आई तो सिंपल है ना लॉजिक चला मैंने क्यों इतना लंबा खींचा इसको इसलिए ये बताने के लिए कि अगर आपके पास सिर्फ तीन डेटा है उस तीन डेटा का आईडी डी ऑब्वियसली यहाँ पर आप देख सकते हो वन टू एंड थ्री लेट्स मैंने ये जो मेरा सेकंड वाला है इसको मैंने कर दी डिलीट मैंने क्या कर दी सेकंड वाला डिलीट तो आपको कैसे पता चलेगा कि सेकंड वाला डिलीट हुआ आप ऑब्वियसली ये चेक करोगे ना कि जब भी किसी ने इस डिलीट वाले बटन पे किया होगा क्लिक इस बटन पे तो उसका आई जब भी हम क्लिक करेंगे ना तो हम एक आई पास कर सकते हैं एंड बाई डिफॉल्ट मैंने सेकेंड को क्लिक किया तो मैंने सेकेंड वाला आई पास कर दिया अब ये तीनों के तीनों डेटा तो आपके पास पड़े थे वन टू वन थ्री ठीक है अब आपने क्या किया आपने इस वाले डिलीट बटन को क्लिक की एंड उसमें आपने जो इसका एक्चुअल आईडी नंबर था वो आपने पास कर दी टू तो ये डेटा था आपके पास आपने टू पास कर दी तो बस आपको ये चेक करना है क्या वन और टू इक्वल है नहीं है तो मतलब ये बच गया भाई ये बच गया क्या टू और टू इक्वल है अरे ये तो इक्वल हो गया इसको हटाओ क्या थ्री और टू इक्वल है नहीं तो ये भी बच गया तो इस तरीके से गाइस हम वन बाय वन कंपेयर करेंगे तो फंडा यही है अब इसको हम कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ ध्यान से देखना बहुत ईजी है सो दिस इज आवर बटन जहाँ पर हम डिलीट कर रहे हैं तो जब भी कोई इस बटन पर करेगा डिलीट तो जब भी कोई इस बटन पे करेगा डिलीट आई मीन क्लिक बेसिकली तो ऑन क्लिक इवेंट हमारे पास है ऑलरेडी एंड यहाँ पे आप कोई भी फंक्शन पास कर सकते हो आई नो आपको दिख नहीं रहा है वो ठीक है अब अब आपको क्लियर दिखेगा ठीक है तो जब आप ऑन क्लिक पे कोई भी फंक्शन पास करोगे एंड उसके अंदर अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा आर्गूमेंट पास करना है देन हम डायरेक्टली हैंडल डिलीट पोस्ट में ये नहीं कर सकता ये इन्फिनिट लूप चला जाएगा क्योंकि चला जाएगा बस ठीक है वो मैंने अपने रिएक्ट uh, कोर्स में बताया आप चेकआउट कर लीजिएगा बट आपको यहाँ पे फैट एरो फंक्शन एंड देन अब आप इस तरीके से ये जो आईडी है ये यहाँ पे पास कर दीजिए तो इससे हुआ ये कि अब जब भी आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो मुझे आईडी तो मिल गई मैंने यहाँ पे वही बताया था ना जब आप इस पर क्लिक करते हो तो इसका आईडी आपको मिल जाता है एंड आपके पास वन टू एंड थ्री ऑलरेडी है तो बस आपको कंपेयर करना है इस वैल्यू को इन तीनों से जिससे मैच हो गया उसको हटा दो फंडा यही है ठीक है तो इस पर मैं कॉपी करता हूँ फंक्शन टू डिलीट ठीक है पोस्ट ऑल आइट तो अब एक चीज़ ध्यान में रखना मैं आपको अब एक चीज़ दिखाने वाला हूँ एंड तब आपको यकीन आ जाएगा कि क्यों ये सीरीज़ ऑसम awesome है अब अभी तक मैं ये जो कर रहा हूँ ये करने से पता क्या होगा बताओ क्या हो सकता है इससे होगा ये कि मेरे ये जो डेटा है ना सिर्फ यहाँ पे डिलीट होगा बट हम तो एक्चुअल एपीआई के साथ काम कर रहे हैं समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे हम एक्चुअल ए के साथ काम कर रहे हैं ये देखो पूरा इतना सौ के सौ डेटा है यहाँ पे मेरे पास तो अगर आप यहाँ पे डिलीट कर भी दोगे ना तो ए को घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने ऐसा कुछ नहीं किया और हम हर बार यही करते हैं हम हर बार आपको मालूम है कि फिल्टर मैथड लगाना है डिलीट कर देना है बट वो नहीं होगा अभी यहाँ पे क्योंकि आप ए के साथ काम कर रहे हो आपको एक्चुअल ए में जाके डेटा डिलीट करवाना पड़ेगा एंड तब जाके आपको यहाँ पे डिलीट करना है आप सिर्फ यहाँ का डेटा डिलीट करके खुश मत होइए क्योंकि एपीआई में तो कुछ हुआ ही नहीं द मोमेंट में रिफ्रेश करूंगा वो डेटा वापस आ जाएगा तो सबसे पहले आपको ए का डेटा डिलीट करना है एंड वो सक्सेसफुल हुआ तो उसके बेस पे इसको डिलीट करना है वो बेसिकली अपने आप ही हो जाएगा फिर तो देखो कैसे यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक सब सही है अब आपको वापस यहाँ पे आना पड़ेगा कहाँ पे पोस्ट एपीआई आपके इंस्टेंस वाले पे जैसे हमने डेटा को गेट करने के लिए हमने ये फंक्शन बनाई वैसे ही डिलीट करने के लिए भी अब हमें मेथड क्रिएट फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा गाइस जी हाँ ध्यान से देखो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट नहीं डिलीट पोस्ट इस तरीके से अब यहाँ पे वी नीड टू रिटर्न आपका इंस्टेंस डॉट अब यहाँ पे कुछ भी डेटा अगर आपको डिलीट करना हो एपीआई में ठीक है तो हमारे पास कौन सा स्टेटी मेथड है उसके लिए यस यू आर करेक्ट सो इट्स अ डिलीट मेथड आप देख सकते हो डिलीट मेथड एंड यहाँ पे अब आपको क्या चाहिए डिलीट करने के लिए गाइस आपको क्या चाहिए होगा बताइए ऑब्वियसली ये नो मैटर वॉट पोस्ट तो आपको लगेगा ठीक है क्योंकि डेटा पा रहे तो पोस्ट एंड जब डिलीट की बात आती है तो लगेगा ही लगेगा लेकिन इसके बाद फॉरवर्ड स्लैस डॉलर एंड यहाँ पर हम एक आई पास करने वाले अब ऑब्वियसली मैं इस तरीके से लिख नहीं सकता इसको मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा अब ये मैंने आईडी इसलिए पास की क्योंकि वो आईडी में ये एज्यूम कर रहा हूँ कि मुझे मिलेगा जब भी कोई इस बटन पे क्लिक करने वाला है आप देख रहे हो कि किस तरीके से ये चल रहा है एंड ये मैं अब ये क्यों किया ये तो आपको कल के दिन पता चल गया था बाई डिफॉल्ट ये आप ऐसा है कि ये ए पी पे है जब भी कोई आप डिलीट पोस्ट को कॉल करेगा तो इंस्टेंस के पास उसका बेस वायरल ऑलरेडी है एंड मैंने एक्स्ट्रा ये भी ऐड कर दिया तो कुछ वो ऐसा हो जाएगा मेरा कंप्लीट पोस्ट एंड देन ये मुझे जिसको डिलीट करना है उसका आईडी डी मैं पास कर रहा हूँ फंडा ये रहता है एंड अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड मेरे को भी फर्स्ट टाइम ये हुआ था कि हमने ये आईडी क्यों पास की क्या आईडी के बदले में कुछ और पास नहीं कर सकता था एंड पास किया तो किया मैं ये इस तरीके से क्यों कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट आई भी तो लिख सकता था तो क्या वो हम नहीं कर सकते अगर डायरेक्ट आई आप लिख रहे हो इसका मतलब तो डिफॉल्ट ए का अपना जो भी है वो डिफॉल्ट हो गया ना लेकिन हमें यहाँ पे डिलीट करना है एंड वो जो डिलीट है वो ए के पास कोई पावर नहीं हमारे पास पावर है कि जो सौ पोस्ट मुझे मिले हैं उन सौ में से किस पोस्ट को मैं डिलीट करना चाहता हूँ एंड मैं एट अ टाइम तो एक ही डिलीट करूँगा है ना तो जिसको भी मैंने डिलीट की उसका आईडी तो हमारे पास है सबका रहते ही सबका यूनिक आईडी डी रहता ही रहता है तो वो है वो एक्चुअल आईडी तो वो तो डायनेमिक होगा सो डैट्स वाई वो आईडी मैं पहले गेट कर रहा हूँ जब भी कोई फंक्शन को कॉल करेगा ना तो वो एंड आइडिया हमें मिल रहा होता है डोंट वरी तो ये वाला जो आइडिया हमें मिल रहा है वो मैंने यहाँ पे पास कर दिए एंड हम ए को ये बोल रहे कि भाई हमें अब डिलीट करना है इस पर्टिकुलर आईडी वाले पोस्ट को इसका फंडा मतलब ये है एंड आपको और मैं दिखाना चाहता हूँ मैं भले ही टाइम थोड़ा लग जाएगा इस लेकिन मुझे मालूम है आप जिसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है उनको बहुत मजा आ रहा है बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम इतना इन डेप्थ में जा रहे हैं जिनको आइडिया उनको लग रहा होगा यार बहुत पका रहा है ये बट रियलिटी ये कि आपको फर्स्ट टाइम तो समझना ज़रूरी है तो मैं वापस जेसन पे चलूंगा देखना है ध्यान से हेयर वी हैव दिस रूट ठीक है ऑल राइट परफेक्ट सी ये देखो गेट के लिए ये था ठीक है पोस्ट के लिए ये है पुट के लिए ये है पैच के लिए ये है लेकिन मैं फिर से थोड़ा सा ज़ूम करना चाहूँगा क्योंकि वो वहाँ चला गया एंड परफेक्ट सी ध्यान से देखिए डिलीट डिलीट के लिए फॉरवर्ड स्लैश पोस्ट एंड फॉरवर्ड स्लैश वन है तो ये जो वन आपको दिखाई दे रहा है ना वो बेसिकली पहला आई है पहला पोस्ट वो डिलीट हो जाएगा लेकिन मैंने सपोज फोर्टी वाले को क्लिक की तो भाई मुझे 48 कैसे पता चलेगा तो इसलिए वो हमने आईडी पास की एंड इन्होंने बोला भी है एंड डोंट वरी हर एक एपीआई में डॉक्यूमेंटेशन में आप अगर जाओगे तो आपको पता चल जाएगा वो कैसे काम करता है ठीक है एंड डोंट वरी एट द एंड में मैं आपको ये बताऊंगा एक रूल है जो आप अगर फॉलो करोगे तो ईजी हो जाए जब भी आप डिलीट करोगे एक आई पास करना ही पड़ता है ऑल ठीक है अब ये जो डिलीट पोस्ट है कॉपी करूँगा ऐप पे आता हूँ सॉरी पोस्ट पे आता हूँ मैं ये जो पर्टिकुलर पोस्ट इसके अंदर आऊँगा देखो नो मैटर वॉट जब भी आप प्रॉमिस के आई मीन ए के साथ खेलते हो चाहे वो फैच हो या चाहे आप एक्स्यूज की मदद से वो प्रॉमिस रिटर्न करता है राइट तो ये तो हमें मालूम ही है तो अब ऑब्वियसली डिलीट पोस्ट जो है एंटर कर रहा कराऊँ इस तरीके से अब याद है जब भी कोई इस बटन पे क्लिक करेगा हम आईडी पास कर रहे हैं तो कॉपी आई डी पेस्ट एंड आई डी दिस इज इट ये देखो ना डिलीट पोस्ट आई डी हो गया ना मेरा काम यही तो मैं यहाँ पे डिफाइन किया है मैंने ये देखो ना ये देखो डिलीट पोस्ट में ये जो आई डी था वो मुझे इस तरीके से मिल रहा था तो मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा मतलब अब ये है कि मैंने रिक्वेस्ट कर दी है मेरे ए पी आई को ये बोल के सुनिए मैंने एक आई डी आपको दी है प्लीज़ आप उस पोस्ट को डिलीट कर दीजिए तो अब मुझे वो ना यहाँ पे एसिंग नहीं सॉरी अवेट लिखना पड़ेगा इस तरीके से तो अब अगर एक सेकेंड ये जो कंसोल है वो मैं दिखा देता हूँ इस तरीके से ठीक है मेरा काम हो गया इतना कोड अगर आप लिखते हो ना ये बेसिकली ये लाइन एंड इतना अगर आप कर देते हो तो आपका ए से वो डेटा डिलीट हो चुका है ठीक है बस इतना सिंपल देखना अभी यहाँ पे आ, इंस्पेक्ट आ, वी हैव नेटवर्क uh, टैप इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ सपोज uh, देखो हाँ इसको मैं क्लीन कर देता हूँ मैं ये जो सेकेंड वाले को मैं डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ हैंड बोम इसी ये देखो स्टेटस कोड 200 सौ मुझे मिला नेम यहाँ पे आप देख सकते हो टू दिख रहा है इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिक्वेस्ट का मेथड क्या था डिलीट आपने कभी इस तरीके से डिलीट देखा आई मीन ऑलवेज पोस्ट पोस्ट देखा होगा बट अब हमारा रिक्वेस्ट का मेथड है डिलीट स्टेटस कोड है टू हंड्रेड ओके एंड यहाँ पे देखिए ये देखिए ये देखिए ज़रा ज़रा ये है इम्पोर्टेंट जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था ये देखो ये तो आपका बेस वायरल हो गया यहाँ तक उसके बाद ये जो आपको बॉटम के जो दो है ये क्या है पोस्ट फॉरवर्ड स्लैश टू ये आपको पोस्ट में से जो सेकेंड आई है उसको डिलीट करना था एंड इसने वो डिलीट भी कर दी तब आप रियलिटी में देखोगे सो ना वी हैव ऑल फ़िलहाल देखो डिलीट हो चुका है बट यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे अभी तक हमने किया नहीं बट वो डिलीट हो गया प्रीव्यू में कुछ नहीं है रेस्पॉन्स कुछ, कुछ नहीं है इनिशिएटर कुछ नहीं है बट हमारा ये काम हो गया ठीक है अब आ, मैं यहाँ पे लेके चलूँगा रेस्पॉन्स डॉट ऑल राइट ठीक है रेस्पॉन्स तो आपको पता चल ही चुका है सो गाइस इफ रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस आप लिख दीजिए इस ट्रिपल इक्वल टू टू हंड्रेड एंड बाय द वे ये जो भी आप कर रहे हो इसको एक ट्राई कैच के अंदर आप रख दो यार है ना एंड अब हम ये हज़ार बार तो कर ही चुके हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको इतना बताना कि आई मीन बताने की, I mean बता की जरूरत है कि मैंने क्यों किया सडनली या दिस इज इट इस तरीके से है ना परफेक्ट ठीक है इसको भी कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे ट्राई या परफेक्ट इसके कारण या सी सब सेट अब ठीक है तो अब अगर ये एकदम सही है तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं अब बस मुझे क्या करना है मेरा डेटा जो होगा उसकी मदद से मुझे बस एक लूप चलाना है सो नाउ गाइस मेक न्यू अपडेटेड पोस्ट विल बी इक्वल टू कुछ मुझे सिंपल वो लूप चलाना है क्या मेरा डेटा सो डेटा डॉट मैप ठीक है एंड सॉरी नॉट मैप अब अगर कोई भी डेटा को अगर आपको हटाना हो तो हम फिल्टर यूज़ करेंगे मैप नहीं सो इट्स अ फिल्टर ठीक है एंड फिल्टर एंड मैप का अगर आप देखोगे तो जो आर्गुमेंट हम पास करना है एंड देन जो सिंटेक्स है काइंड ऑफ सिमिलरी है सो फिल्टर वी हैव अ करेंट लेट्स को विद पोस्ट रिटर्न तो मुझे क्या करना करेंट पोस्ट की जो आई डी है अगर वो मैच करता है मेरे आई डी से तो रिटर्न कर दो तो अगर आप ये <laughs> तो अगर आप ये करोगे ठीक है एंड अगर सेट डेटा में अब जो भी आपको डेटा मिला अगर वो ये न्यू अपडेटेड डेटा पोस्ट कर दोगे तो आपका काम तो हो गया राइट right? हमारा काम तो हो गया तो अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ एक बार रिफ्रेश करता हूँ एंड सपोज सेकेंड वाले पे मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ एंड बूम बूंगा इसे देखा क्या हुआ सारे डेटा चले गए सिर्फ मुझे सेकेंड वाला मिला ये इसलिए हुआ क्योंकि अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं फिल्टर कर रहा हूँ एंड ये बोल रहा हूँ कि जो भी आई यूजर ने क्लिक किया होगा उस आई से अगर वो मैच कर गया उसको आप रिटर्न कर दीजिए तो उसने रिटर्न कर दी एंड खत्म लेकिन इसका अपोजिट मुझे चाहिए कि जो आईडी यूजर ने क्लिक की है आई I मीन mean जिस पोस्ट को क्लिक की उसकी आईडी जिससे भी मैच हो उसको छोड़ के बाकी रिटर्न कर दीजिए उसको छोड़ के मतलब वो डिलीट हो गया फंडा ऐसे समझ लो तो नॉट इक्वल टू द मोमेंट अगर आप ये करते हो तो यही है डिलीट आप ई e कॉमर्स उठा लो आप दुनिया का कोई भी प्रोजेक्ट उठा लो फिल्टर करना हो तो हम यही करेंगे सेकेंड अब मैं अगर यहाँ पर चलता हूँ इंस्पेक्ट पे भी नेटवर्क पे भी इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ इन सबको हटाता हूँ एंड सेकेंड वाले पे मैं क्लिक करता हूँ डिलीट एंड विद इन ए फ्यू सेकेंड बोम गया इससे डिलीट हो गया यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेटस को 200, हंड्रेड रिव्यू रेस्पॉन्स फिलहाल कुछ है नहीं यहाँ पे हमें मतलब भी नहीं है बट मेरा ये काम हो गया कंप्लीट देखो वो डिलीट हो गया राइट सो गई इस ये थाना कितना ज्यादा औसम एंड अगर आपको फर्दर ये जो पार्ट है यहाँ पे आप एक और चीज़ भी कर सकते थे इस तरीके से इसको आप और फर्दर एल्स फेल टू डिलीट द पोस्ट रेस्पॉन्स की नीड यहाँ पे रेस्पॉन्स नहीं है रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस जो है आपको बता देता क्या है इस तरीके से तो कैसे कैसा लगा ये अब आप आपने ऑब्वियसली ये जो एक नया तरीका जो देखा ना ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेक श्योर sure करेगा कि आप पहले तो जो एक्चुअल ए है वहां पर डेटा डिलीट कीजिए एंड उसके बेस पर जो रेस्पॉन्स आ रहा है उसके बेस पे ही आप अपना जो एक्चुअल यूजर इंटरफेस है वहाँ से डेटा डिलीट कीजिए तो मैंने कहा था ये जो सीरीज़ है बिल्कुल नया है एंड आपने ये तरीका नहीं देखा होगा आप हर बार कब लाइक लोकल सिस्टम पे ही अपने एपीआई बना के खेलते हो बट रियलिटी में कुछ जो इस तरीके से हो रहा होता है हमें पहले एपीआई के बारे में सोचना होता है ठीक है सो या गाइस दिस इज इट आज इस वीडियो के इतना ही वो वीडियो पसंद आया पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए एक ना एक तो कुछ ना कुछ जरूर कीजिएगा एंड कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा एंड अच्छा नहीं लगा तो प्लीज़ बताइए मैं कैसे और फर्दर इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ एंड साथ ही साथ गाइस बताना चाहूँगा नेक्स्ट टारगेट इज सेवन नेक्स्ट सब्सक्राइबर सो गाइस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा मिलता हूँ मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गाइस थैंक यू सो मच टेक केयर